बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। मनरेगा में हुए करीब 50 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी अधिकारी कर्मचारी को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री व कांग्रेसी नेता करण सिंह दलाल ने हरियाणा की पलवल नगर परिषद पर कूड़ा उठान को लेकर 5 सालों में 40 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भाजपा पार्टी को कूड़ा कचरा खाने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर भाजपा पार्टी के नेताओं के पेट के अंदर से कचरा निकाला जाएगा। पलवल नगर परिषद पर घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नगर परिषद के द्वारा जिस कंपनी को खरों से कूड़ा उठाने का ठेका दिया गया है वह कंपनी कूड़ा नहीं उठा रही और शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर कूड़े कचरे के ढेर ना लगे हों। पिछले 5 सालों में नगर परिषद द्वारा एक ही कंपनी को ठेका दिया गया है और हर साल 8 करोड़ रुपए घरों से कूड़ा उठान के नाम पर नगर परिषद के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी शहर कचरे का ढेर बना हुआ है। पिछले 5 सालों में 40 करोड़ रुपए का घोटाला नगर परिषद के और कूड़ा उठाने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने घर से कूड़ा कलेक्शन के नाम पर किया है। दलाल ने भाजपा के नेताओं को कचरा खाने वाला नेता बताया। वहीं पलवल में हुए मनरेगा में करीब 50 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण का आरोप लगाते हुए उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मनरेगा में केवल पलवल और फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में घोटाले हुए हैं और उनकी जाँच होनी चाहिए। पलवल नगर परिषद में वर्ष 2018 से कूड़ा करकट और कचरा उठाने का जो ठेका दिया गया है वो इनकी अपनी एक चहेती कंपनी है और उस कंपनी को 8.5 करोड़ रुपए सालाना पलवल का कचरा घरों से उठाने का ठेका दिया जा रहा है। कचरा न घरों से उठ रहा है, न गलियों से उठ रहा है, न मोहल्लों से उठ रहा है। और जो लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला इस देश में हुआ था, आज पलवल नगर परिषद एरिया में भाजपा नेताओं का कचरा घोटाला, ये कचरा खा रहे हैं। कचरे के एवज में जो धन इन्हें मिल रहा है उससे अपना पेट पाल रहे हैं। और ना केवल भाजपा के नेता बल्कि जिले के तमाम अधिकारी, डीसी, एडीसी और जो जिला योजना अधिकारी यहाँ बनाए जाते हैं, इनके पार्षद, इनके चेयरपर्सन, इनके विधायक और दूसरे लोग, वो सब इस घोटाले में शामिल हैं। घोटाला 5 साल में 8.5 करोड़ रुपये सालाना जो कचरा उठाने का निबंध हुआ, ये 40 करोड़ के करीब 5 साल के अंदर पैसा नेताओं और अधिकारियों की जेब में गया है। पलवल आज भी गंदगी से सड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का नया पैमाना इस हरियाणा के अंदर जारी किया है, जो मनरेगा, कचरा या जो पानी, सीवर, सड़क निर्माण, गली निर्माण, कोई भी सरकारी काम की शुरुआत होती है पहले उसमें कमीशन मुकर्रर होता है और वो कमीशन अधिकारियों से ऊपर जा कर के नेताओं की जेबों तक में जाता है। तो मनरेगा वालों का ये कहना यहाँ तक तो ठीक है कि उनके अकेले खिलाफ़ मुकदमे दर्ज क्यों हो रहे हैं। मनरेगा कांड में नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। भाजपा के जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज होने चाहिए जिन्होंने इसमें मोटा कमीशन खाया है, और उन ठेकेदारों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए जहाँ गाँवों की तरक्की होनी थी और उस पैसे को डकारने का काम भाजपा के नेताओं ने और अधिकारियों ने किया है। हाँ, कृष्णपाल गुर्जर के संरक्षण में ही दोनों जिलों के अंदर भ्रष्ट लोग अपनी जेबों को भरने का काम कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी इस इलाके को लूटने का काम कर रहे हैं, और चाहे वो कृष्णपाल जी हों या दूसरे भाजपा के विधायक और दूसरे इनके पदाधिकारी हों, वो भ्रष्ट लोगों को बचाने में और उनके साथ मिलकर के खजाने को लूटने का काम कर रहे हैं। ये जो घोटाला है अकेले पलवल और फरीदाबाद जिले का नहीं, ये पूरे हरियाणा के अंदर ये घोटाला हुआ है और ये भाजपा की घोटालाओं की ही सरकार है। ये व्यापारी वर्ग हैं, जो व्यापारी लोग हैं,